श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का आया तूफान। सूर्य कुमार यादव ने ठोका अपने कैरियर का तीसरा टी20 शतक। भारतीय टीम ने खड़ा किया पहाड़ सा स्कोर। जानेंगे क्या है पूरी खबर, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला राजकोट में खेला जा रहा है। आपको बता दें, ये मुकाबला सीरीज का डिसाइडर मुकाबला है। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो सीरीज पर कब्जा कर लेगी। आज के मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया है और श्रीलंका को एक विशाल लक्ष्य दिया है। भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन और शुभमन गिल बतौर ओपनिंग बल्लेबाज मैदान पर उतरे थे। हालांकि ईशान किशन आज के मुकाबले में फ्लॉप साबित हुए, उन्होंने सिर्फ एक रन ही बनाया। शुभमन गिल आज के मुकाबले में 36 गेंदों पर 46 रन बनाने के बाद आउट हुए। शुभमन गिल काफी देर तक क्रीज पर डटे रहे लेकिन उनकी पारी काफी स्लो नजर आई। इसके बाद राहुल त्रिपाठी ने काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। राहुल त्रिपाठी ने 16 गेंदों पर 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। आज के इस मुकाबले में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा सूर्य कुमार यादव का। सूर्य कुमार यादव ने अपने कैरियर का तीसरा टी20 शतक जड़ा। उन्होंने मात्र 45 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने इस मुकाबले में 51 गेंदों पर 112 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने 9 छक्के और 7 चौके लगाए। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव की इस शानदार पारी की बदौलत ही भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 228 रन बनाए। श्रीलंका को 229 रनों का विशाल लक्ष्य दिया है। अगर भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत लेती है तो सीरीज भी भारतीय टीम के नाम हो जाएगी। भारतीय टीम अभी तक श्रीलंका के खिलाफ घर में एक भी टी20 सीरीज नहीं हारी है। अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को दुनिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।